हाय फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ एमसीबी बॉक्स में क्या क्या फिट होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोग्राम लगता है, कौन कौन से एमसीबी लगती है, कैसे कैसे लोड पे लगता है, कौन वायर मेन का है, कौन घर का है। मैं सब कुछ आज बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तो वॉलपेपर है, क्योंकि ये विदेश का है, इसमें बहुत अच्छे से फिटिंग की गई हुई है। आप देख सकते हैं एमसीबी कैसे लगाई गई है, वायर कैसे लगाया गया है, और मैं सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं स्टार्ट करता हूं पहले इसके पैनल से जो ये लगा हुआ है। ये है एमसीबी बॉक्स, इसे टीपीएन एमसीबी, इसे एमसीबी बॉक्स कहा जाता है। और ये मैं अब बता रहा हूं, ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ये जो आप देख सकते हो इसे, ये डीपी एमसीबी, इसको डीपी एमसीबी बोला जाता है। इससे जो है हम लोग, ये जो इसमें है, ये सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई का वायर है जो कि डीपी के अंदर आ रही है, ठीक है। ये डीपी एमसीबी है जो कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब ये कितने एम्पीयर की है, जो मैकेनिक ने, जो भी मिस्त्री इसको बनाया है, जो भी इलेक्ट्रिशियन ने इसको जो काम किया है, वो जानता था कि ये कितने एम्पीयर का है। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे कनेक्शन होता है इसके अंदर, मैं बस वो बताना चाहता हूँ आपको। आगे कैसे क्या है वो मैं आपको, मैं अपने काम में, अपने वीडियो में बताऊंगा। और ये है आपका डीपीएम से भी, इसमें सप्लाई आ गई है, ठीक है। और ये जो है, ये बगल में जो पीले रंग के, ये आरसीसी भी है, ठीक है, ये आरसीसी भी है। इस डीपी से इसमें आया मेन लाइट। मान लो जो पोल होता है, जो पोल बाहर का पोल से मेन लाइट आ गया डीपी में, ठीक। और डीपी से ये आ गया आरसीसी में, ठीक। ये ऊपर से आया, ठीक है, ये ऊपर से आया। और ये नीचे से जो है, ये नीचे से ये घर को सप्लाई देगा। हमारे जितने सारे घर में उपकरण है, जो भी सामान है जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग, ये उसके लिए यहाँ से ये लाइट देगा, ठीक है। यहाँ ऊपर गया, वहां से आरसीसी में है, और यहाँ से नीचे गया। और इसके बगल में जो है, ये ट्रिपिंग सिस्टम, इसे 2 महीने या 10 दिन या आपके पास जो भी टाइम बचे, इससे एक बार दबा लेना चाहिए, ताकि उससे ये मालूम चलता है कि हम लोग का जो आरसीसी भी है वो रनिंग पीरियड में है कि नहीं, वो ठीक है या नहीं। अगर दबाने से वो नहीं ट्रिप होता है तो समझ जाइए उसका काम खत्म हो गया है, आप दूसरा आप इसमें लगा सकते हो। तो ये उसलिए होता है, और ये आरसीसी भी इसलिए होता है कि किसी को भी अगर मारे, करंट मारे या लाइट मारे, तो वो घर की बिजली कट जाती है, किसी की जान नहीं जाती है। और एक और चीज होता है, हमारे घर में जितने सारे बोर्ड होते हैं, चाहे जितने भी सारे बोर्ड हो घर में, कोई सा भी बोर्ड हो, अगर उसमें जो बॉडी में अगर टच हो जाएगा, या हमारा फैन है उसके अंदर जो फैन बॉक्स होता है लोहे का, उसमें टच हो जाएगा, तो हमारे घर की बिजली कट जाती है। ये जितना सारा ये एमसीबी बॉक्स का जो पैनल है, अगर कोई बंदा आया और इसे ओपन कर रहा है, लोहे का होता है इसका डोर होता है, और उसे ओपन करता है, अगर ये आरसीसी उस पीरियड में अगर इस बॉक्स में अगर लाइट आती होगी, तो ये उसको काट देता है। क्योंकि इससे अगर कोई भी अगर एक्स्ट्रा अर्थ मिलता है या करंट मिलता है, ये उस लाइट को काट देती है। इसका बस ये वर्क है कि किसी उपकरण में हमारी लाइट जा रही है और दूसरी तरफ से आ जाए, बस इसका वही कारण है। ये हम लोग का पर्सनल सेफ्टी के लिए होता है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो ये हम लोग का, आप ये देख रहे हैं ऊपर से आ गया, ये जो है जो इसमें से है, जो इसमें से आ रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये न्यूट्रल, यहाँ पे एन लिखा हुआ भी है, यहाँ से एन में जा रहा है। यहाँ जितने सारे वायर है हम लोग का, जो भी लगा है इसमें, ये सब न्यूट्रल वायर है। और जो हम लोग का फेज, पूरा घर का न्यूट्रल वायर, ये इधर हो गया कनेक्ट, जो भी हम लोग फेस वायर है इसमें हो गया कनेक्ट। और बंदे ने एक और अच्छा काम किया हुआ है कि जो काले रंग का तार है उसको काले कलर की एमसीबी लगा दिया है, जो ब्लू रंग का वायर है उसको ब्लू कलर का लगा दिया है, और जो भी है जिस कलर का जो वायर है उस कलर का एमसीबी लगा दिया गया है, ताकि ये आसानी होगी कि हमारा इस वायर का इस कलर का एमसीबी हमारी इसी सप्लाई से जा रही है। अगर ये नहीं रहता तो ये कंफ्यूजन हो जाती कि फिर कौन सा वायर में कौन सी एमसीबी लगी हुई है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, इसी वजह से ये सारा सेटअप वो बैठाया हुआ है। और रही बात कि कौन से घर में कितना लोड वोड, वो सब तो वो जानकर, वो कैसे किया है, वो लगाया है उसके, लेकिन मैं जो करूंगा मैं वो आपको बताऊंगा
कितने एम्पीयर पे, कितने लोड पे, कितने केवी पे, कितने वाट पे, क्या क्या एमसीबी लगाना चाहिए, क्या सेटअप करना चाहिए। और एक और बात, ये जो आप हरे रंग का जो वायर देख रहे हैं, ये जो हरे रंग का आप जो वायर देख रहे हैं, ये हम लोगों का ये है अर्थ वायर, ठीक है। ये अर्थ होता है, जैसे कि कोई भी हम लोग का वो जो 5 पिन में जो ऊपर वो गोल सा होता है वो बॉडी अर्थ होता है, किसी भी चीज का बॉडी अर्थ होता है। जैसे हम लोग कूलर हो गया, इन्वर्टर हो गया, प्रेस हो गया, ऐसे सब चीजों में ना ये उसका करंट जाता है कि ताकि एक्स्ट्रा जो करंट रहे उसके थ्रू वो जमीन के अंदर चला जाए, गर्म अर्थिंग कराना पड़ता है, ठीक है दोस्त। तो उसको आप लोग करा लेंगे तो काफी बेटर रहेगा। बाकी आज का हम लोग का प्रोग्राम बस यही है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जितना हो सका मैं बताया हूँ, आगे मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। बाय बाय।